विपक्ष के इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर जारी बयानबाजी के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मीटिंग होने वाली है और जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक होगी और इस बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल होंगे। बैठक में दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इंडी के नाम पर कांग्रेस का खेला होने वाला है क्योंकि जेडीयू, आरजेडी, साथ ही आप, सपा, बसपा, टीएमसी, तमाम ऐसी पार्टियां जो लगातार सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर गारंटी, जीत की गारंटी को लेकर पहले तो ये कह रही है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा क्या, फॉर्मूला तय किया जाए और उसके बाद सीटों को बंटवारा किया जाए और उसको लेकर आज इंडी गठबंधन में शामिल होने के लिए तमाम वो आप और कांग्रेस की बैठक में शामिल होने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री आतिशी भी इस बैठक में शामिल होने वाली है। तो अब जहां एक तरफ बीजेपी चुनाव समिति जहां एक तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रही है, 8 तारीख को आज ही गुजरात में शिरकत करेंगे और जहां पर तमाम बड़े नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो वहीं पर सीट बंटवारे को लेकर इंडी का आज बड़ी बैठक होनी है जिसमें कांग्रेस और आपकी ये बैठक होगी। 12 बजे कांग्रेस और आपके नेताओं की ये अहम बैठक होनी है। दिल्ली पंजाब में सीट शेयरिंग पर यह फॉर्मूला तय किया जाएगा क्योंकि बार बार सियासत गलियारों में यह शोर रहती है कि जहां जहां पर कांग्रेस की एंट्री होती है वहां वहां आपका सुपड़ा या आपकी एंट्री होती है वहां वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। चाहे हम दिल्ली के परिवेश में देखें, पंजाब के परिवेश में देखें, गुजरात के परिवेश में देखें, लेकिन अब जब इंडी गठबंधन में आपकी एंट्री है तो आपको किस फॉर्मूले पर सीट दिया जाएगा, कैसे सीटों का बंटवारा किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन पक्ष के सामने यानी कि जो मौजूदा सरकार है उसके सामने अपनी बढ़त बनाते हुए लीड करे, इसको लेकर आज कांग्रेस और आपकी बैठक होनी है और यह अहम बैठक मानी जा रही है। कितने सीटों पर सर? कोई नहीं, कितने सीटों पर? क्वालिटी क्वांटिटी नहीं। हम एक समीक्षा कर रहे हैं कि किस आधार पर सीटों का वितरण होना चाहिए, किस प्रिंसिपल पर, किन उसूलों पर हमें आपस में समझौता करना है, उस पर विस्तार से बात की है। वहीं इंडिया अलायंस को लेकर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि विपक्ष के गठबंधन के पास ना कोई नियत है और ना ही कोई उनके पास नेता है और ना ही उनके पास कोई रोड मैप है। इंडिया अलायंस केवल मोदी हटाओ का नारा लगा रही है जिसका कोई फायदा होने वाला फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। ये इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन का कोई अलायंस नहीं होने वाला है। जो सिर पुटवल कर ले, एक कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, वही हाल हो गया इनका, मठ बसने के पहले उजड़ जाएगा। गठबंधन के पास में ना तो कोई उनकी नियति है और ना ही उनके पास नेता है और ना ही उनका किसी भी प्रकार का कोई उनके पास रोड मैप है। वो तो केवल एक बात, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। देखिए, इंडिया अलायंस मैंने पहले भी बोला था, इट्स अननेचुरल अलायंस है, ये टिक नहीं सकता किसी के साथ, किसी की आइडियोलॉजी की कोई मैचिंग नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे पार्टियां इसमें जुड़े हुए हैं जिनके जुड़ने से जीरो ही होता है। और वहीं अगर बात हम अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर की जाए तो भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। तैयारियां जोरों पर हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं और इन सब के बीच बिहार के राजद यानी आरजेडी विधायक ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए बीजेपी 22 जनवरी के भव्य कार्यक्रम में राम भक्तों पर ब्लास्ट करा सकती है। ये विवादित टिप्पणी करने वाले विधायक का नाम है अजय यादव, जो कि विधानसभा में अतरी विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अजय यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में समर्थकों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए यह विवादित टिप्पणी की, साथ ही कहा कि इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी पाकिस्तान और मुसलमानों का नाम लेगी। अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया, ये मुसलमान लोग का सब देन है, डर ये भी है, हो सके ये हो ना हो, लेकिन अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं
अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया, ये मुसलमान लोग का सब देन है, डर ये भी है, हो सके ये हो ना हो, लेकिन भगवान